तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीसो में हम खाता नंबर जो बैंक डिटेल्स ऐड किए रहते हैं ना उसको चेंज कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर देर क्यों करेंगे, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपने मीशो ऐप को ओपन करना होगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए मैं मीशो ऐप को ओपन कर देता हूँ और मीशो ऐप को ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल है, अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा माय बैंक डिटेल्स का, इस पर सिंपल है टैप कर देंगे। इस पर टैप करेंगे तो आपका खाता नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे देगा, लेकिन हमें इसे बदलना है तो बदलने के लिए क्या प्रोसेस है आइए मैं आपको बताते हैं। ऊपर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। ऊपर टैप करने के बाद आपका सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज वाले बटन पे क्लिक करके जो नया वाला आपको खाता नंबर ऐड करना है उसके पासबुक का फोटो या चेक का फोटो दे दीजिएगा, गैलरी में जाके ले लीजिएगा, उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद आप अपना नया वाला खाता नंबर एक बार यहाँ भरिएगा, फिर दोबारा से यहाँ भरिएगा, आप अपना नाम दीजिएगा और IFSC कोड यहाँ पे दीजिएगा, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करिएगा, आपका नया वाला खाता संख्या यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस खाते में अब आपकी पेमेंट वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।